प्राइवेट स्कूल्स आखिर छुपाना क्या चाहते हैं। एक सरकारी ऑर्डर के तहत प्राइवेट स्कूल्स को आरटीआई के दायरे में लाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को कहा जा रहा है कि वो बज़ाबता अपनी एक वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट पे अपने स्कूल के रिलेटेड सारी डिटेल, सभी इन्फॉर्मेशन डालें, वहाँ पर उस वेबसाइट पर डालें कि उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वो अपने प्रोफेसर्स को या वो अपने टीचर्स को कितनी सैलरी देते हैं, वो स्टूडेंट से कितने पैसे चार्ज करते हैं, वो सब जो डिटेल्स है उस वेबसाइट पर डालनी चाहिए। और इस सब से इन सब में प्राइवेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये है कि प्राइवेट स्कूल्स को आरटीआई के दायरे में नहीं लाना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं हूँ पल्लवी सरीन और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन। जब हमने जानने की कोशिश की कि क्यों प्राइवेट स्कूल्स आरटीआई के दायरे में आने से कतरा रहे हैं, तो हमने बात की उन बच्चों के पेरेंट्स से जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हमने बात की उन टीचर्स से जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। पेरेंट्स का कहना ये था कि प्राइवेट स्कूल फीस बताते कुछ और हैं और हर साल एडमिशन फ़ीस के नाम पर पैसे बढ़ाते रहते हैं एक आम आदमी की खाल उधेड़ने के लिए। उसे कहा जा रहा है कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस के नाम पर या फिर एयर कंडीशनिंग के नाम पर या डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के नाम पर उनसे पैसे निकलवाते रहते हैं और फीस बढ़ाते रहते हैं, और उन्हें बताया भी नहीं जाता कि ये फ़ीस क्यों बढ़ रही है। एनुअल फीस के नाम पर और पैसे लिए जाते हैं, एंड जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ एक बच्चा फेल हो जाता है तो पेरेंट्स ये भी नहीं पूछ सकते एडमिनिस्ट्रेशन से या टीचर से कि अगर आपके पढ़ाई का स्तर है क्या, आपकी पढ़ाई का स्तर इतना नीचे क्यों है कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फ़ीस देने के बाद भी फेल हो रहा है। टीचर्स तक का ये कहना था कि जो उनकी सैलरी शो कुछ और की जाती है और उन्हें सैलरी मिलती कुछ और है। तो ये सब प्राइवेट स्कूल्स में चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स नहीं चाहते कि वो अपना फ़ी स्ट्रक्चर, वो अपने जितना भी पैसे वो लेते हैं और गवर्नमेंट को शो कुछ और करते हैं वो अब वेबसाइट पे डालें। इसलिए उनका कहना ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो स्टेट से एड नहीं ले रहे, उन्हें आरटीआई के दायरे में नहीं रखना चाहिए। अब सरकार ने तो ऑर्डर निकाला है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स डालनी होंगी। जम्मू कश्मीर में अब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स का चल रहे हैं उन सबको ये सारी डिटेल्स एक वेबसाइट बनाकर उस पर डालनी होगी, ताकि जो आम आदमी है वो ये देख सके कि अगर मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा दे रहा हूँ तो वो पैसा यूज़ कहाँ हो रहा है, और जितना पैसा मैं दे रहा हूँ क्या उतना पैसा देना जायज़ है या नहीं है। इसके अलावा टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी सैलरी गवर्नमेंट को शो कुछ और की जा रही है तो उन्हें कितनी सैलरी मिल रही है। हम जम्मू कश्मीर का निज़ाम जानते हैं कि यहाँ पे कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते और फिर भी रिकॉग्नाइज हैं। यहाँ तक कि ऐसे कई प्राइवेट स्कूल्स हैं जो नॉर्म्स फॉलो करते हैं उसके बावजूद CBSE और JK बोस उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। प्राइवेट स्कूल्स में ये भी बहुत चलन है कि वो कभी CBSE के नाम पर, कभी JK, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम पर, या डिफरेंट डिफरेंट तरह से अपनी मर्ज़ी से स्कूल बंद कर देते हैं, छुट्टियाँ दे देते हैं और उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन के माध्यम से अब ये सब सवाल हैं जो प्राइवेट स्कूल अथॉरिटीज़ से भी पूछे जाने चाहिए और सरकार से भी पूछे जाने चाहिए कि आपने कोशिश तो की है कि इन प्राइवेट स्कूल्स को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, अब वो कोशिश रियलिटी बनती है या नहीं बनती है, ये प्राइवेट स्कूल्स सच में अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स लाते हैं या नहीं लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं या नहीं लाते हैं, अब ये तो इन प्राइवेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। बट हमारा काम है सवाल पूछना। सवाल पूछना इसलिए क्योंकि जब एक आम आदमी अपने बच्चे की एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहा है तो वो क्या जितना पैसा वो दे रहा है क्या वो जायज़ है, क्या वो प्राइवेट स्कूल वाले उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं, क्या वो सच में एजुकेशन का लेवल उतना मेंटेन करके रखा है जितना वो पैसा एक आम आदमी से लेते हैं।